सक्सेस कर्व ला रहा है आपकी सभी समस्याओं का हल। हमारे लाइव क्लास से अब CUET 2022 पास करना हुआ और आसान। अभी रजिस्टर करें और स्कॉलरशिप पाएं। हेलो फ्रेंड्स, आई प्रिया सिंह वेलकम यू ऑल इन सक्सेस कर्व द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CUET। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ MCQ डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस पर। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको दी हुई है, हमें एक्स की वैल्यू को निकालना है। हम इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम एक्स की वैल्यू को पुट कर चेक कर लें ऑप्शन चेकिंग मेथड से, या फिर इसे सॉल्व करके एक्स की इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो चलिए हम दूसरे मेथड, पहले मेथड से मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम x इज इक्वल टू ज़ीरो लीजिए तो 0 माइनस ए माइनस बी इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, a 0 माइनस सी बी सी 0, ऐसे हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होगा 0 माइनस, सेकेंड के में माइनस लगता है माइनस ऑफ a, इंटू 0 माइनस माइनस ऑफ डी सी दिस दिस माइनस दिस, ओके, प्लस माइनस ऑफ डी इंटू इसे हाइड कर देंगे ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ऑफ ए बी सी दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, जब हम x इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो वैल्यू की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, 0। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाय ऑप्शन चेकिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड से अगर हम इसे देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि 0 x माइनस ए x माइनस बी x प्लस ए 0 x माइनस सी, इसी डिटर्मिनेंट को वापस से लिख रहे हैं x प्लस बी x प्लस सी 0। ये इक्वल है हमारा 0 x x x 0 x x x 0 प्लस कर रहे हैं हम ये डिटर्मिनेंट को, ये एक प्रॉपर्टी होती है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। ये एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को पता होगा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस एक्स इंटू उसे हाइड करेंगे 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इसे हाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये वाला सॉल्व किया था हमने अभी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 0 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, हमें वैल्यू मिली थी ए बी सी माइनस ऑफ ए बी सी, ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि होल डिटर्मिनेंट, ये देखिए ये होल डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो ये भी इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाएगा दिस इज एक्स क्यूब दिस इज एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से भी एक्स इक्वल टू 0 मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हम दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके यूज़ कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल रहा था, इसलिए वैल्यू पुटिंग यूज़ ही था, अदरवाइज वैल्यू पुटिंग थोड़ा बड़ा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इफ़ द ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, यहाँ पे कह रहा है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये देने का मतलब ही क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के दो प्रॉपर्टी होते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं अगर ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है।
देखिए इसे कैसे यूज करेंगे। इस डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, R1, R2, R3 तीनों को ऐड कर देते हैं। R1 goes to R1 plus R2 plus R3 तीनों ही रोज को ऐड कर देते हैं। वन में ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, ये चीज़ बन गया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है ये प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट एंड सेकंड, हमें पता है कि सेकंड से ये सारे जीरो हो जाएंगे, तो ये जाएगा 0 0 0, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या कॉलम पूरा जीरो हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। फिर से सुन लीजिए, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक पूरा रो या फिर कॉलम, जैसे यहाँ पे एक पूरा रो या फिर एक पूरा कॉलम जीरो हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में जब भी हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है तो हमें एक चीज़ पर फोकस रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले इसे जीरो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बस हमारा टारगेट सिर्फ इतना होता है कि ये जीरो कैसे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे जीरो बनाने के लिए अगर हमारे पास b प्लस सी है और माइनस b माइनस सी कर दें तो ये जीरो, R1 goes to R1 माइनस R2 माइनस R3, ये कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ए माइनस ए कट गया, माइनस सी माइनस सी माइनस ऑफ 2c। यहाँ पे भी ऐसे a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ए से कट गया माइनस ऑफ 2b, बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी, ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2c इंटू बी इंटू ए प्लस बी माइनस ऑफ बी सी, माइनस ऑफ 2b, जीरो माइनस माइनस ऑफ 2c, माइनस ऑफ 2b इंटू बी सी माइनस सी इंटू सी प्लस ए, तो यह जाएगा 2c इंटू बी a प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ 2b इंटू बी सी माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी। दिस इज 2abc प्लस 2cb स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc स्क्वायर माइनस ऑफ 2b स्क्वायर सी प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2abc। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, क्या बच गया यहाँ पे, 2abc प्लस 2abc, दिस विल बिकम 4abc, 4abc आ गया यहाँ पे वैल्यू। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, डी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया है, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट की दी, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि ये वैल्यू आएगा, बस आपको क्या फाइंड करना है, ये कांस्टेंट कुछ के दिया हुआ है, इस कांस्टेंट को फाइंड करना, मतलब अल्टीमेटली आपको तो पूरा डिटर्मिनेंट फाइंड ही करना पड़ेगा जहाँ पे आपको के को उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ए बी ए सी, ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ से a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, सब इसे कॉमन निकल रहा है तो a b c को कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो a b c को कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी सी, यहाँ पे होगा a माइनस बी सी, a b माइनस सी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने मैंने कहा था हमेशा इससे क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, तो माइनस ए को जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, प्लस ए ऐड करना होगा, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये जीरो बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 goes to R1 plus R2,
R1 में R2 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A B C 0 0 2 C A माइनस B C A B माइनस, ये हो जाएगा A B C एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 C इंटू A B प्लस A B A B प्लस A B, so it will become A B C into 2 C multiplied to A B. This will become 4 A square A A A square B B B square C C C square. अब हम कंपेयर करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मिल रही है वो 4 A square B square C square मिल रही है, और हमें कहा क्या गया है कि ये के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगी, ये के 4 के इक्वल है क्योंकि बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर है, तो ये के जो है ये हमारा 4 के इक्वल है, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, सो के इज इक्वल टू 4. कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है आंसर, ठीक है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, kx minus y minus z is equals to 0, x plus y minus z is equals to 0 has a non-zero solution, then the possible value of k are, ठीक है, हमें possible value of k निकालना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x minus ky minus z is equals to 0, kx minus y minus z is equals to 0, x plus y minus z is equals to 0. देखिए इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन कैसा है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है. डिग्री एंड नंबर ऑफ डिग्री और वो इक्वल है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है. अब होमोजीनियस इक्वेशन है तो हमें एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस के माइनस 1 के माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ये एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा हमारा इस इक्वेशन से. अब पता है हमें होमोजीनियस में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो हमेशा हमें जीरो सोल्यूशन मिलता है, हमेशा कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, जीरो सोल्यूशन मिलेगा. पर अगर होमोजीनियस में, ये कंडीशन होमोजीनियस में है याद रखिएगा, अगर होमोजीनियस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो तो हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है, नॉन जीरो सोल्यूशन मिलता है, नॉन जीरो सोल्यूशन मिलता है. यहाँ पे क्या बोला है, आ नॉन जीरो सोल्यूशन, क्या बोल रहा है, आ नॉन जीरो सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस के एंड माइनस के प्लस 1 माइनस के प्लस 1 माइनस 1 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज टू माइनस के स्क्वायर माइनस प्लस के माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के माइनस के कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, which implies k square is equal to 1, this implies k is equal to plus minus 1, दो वैल्यू आ रही है k की plus and minus 1 के, see this option, this is the correct option. Next question में आते हैं, ये equation कैसा है, ये equation non-homogeneous equation है, ठीक है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, find the value of lambda for which the system of equation has no solution. No solution तभी होता है जब determinant of a is equal to 0 होगा, for no solution. अगर determinant of A, अगर no solution है तो क्या है, determinant 2 minus 1 minus 1 1 minus 2 1 1 1 lambda. This is equals to 0. ठीक है, ये हमारा 0 है, तो हमको क्या करना होगा, 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, इससे करेंगे माइनस 2 लैम्डा माइनस 1
माइनस ऑफ माइनस वन इंटू लैम्डा माइनस वन माइनस वन वन प्लस टू वन प्लस टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ फोर लैम्डा माइनस टू प्लस लैम्डा माइनस वन. ओके दिस इज माइनस थ्री. माइनस ऑफ फोर लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस ऑफ थ्री लैम्डा माइनस सिक्स. दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो. लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री लैम्डा इक्वल टू सिक्स, विच इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू. तो लैम्डा की वैल्यू क्या जा रही है? माइनस टू. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, फिर से वही चीज़ है, नो सॉल्यूशन है. इसके लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा वन 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 अल्फा वन 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 अल्फा. नो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो. तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो. तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं. अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ वन, सेकेंड में माइनस लगाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, इस रो को देखिए, जब भी हम कर रहे हैं तो इस रो को ऐसे हाइड कर देंगे. माइनस वन लिख के ये वाला लिखा रेस्पेक्टिव, अब इसी रो और इसी कॉलम को हाइड करके ये क्या करेंगे, अल्फा हो जाएगा अल्फा दिस अल्फा माइनस वन. फिर अगर वन कर रहे हैं प्लस वन, अब इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर देंगे वन माइनस अल्फा. वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो. ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस ऑफ थ्री अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू और वन. दो चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे वन रख दें, देखिए अगर हम यहाँ पे वन रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अल्फा की वैल्यू हम वन रख रहे हैं ना, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे वन हो जाएगा. फिर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो. अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन वन रखने पर क्या बन रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, हमें ये मिल रहा है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है. इसलिए हम क्या कहेंगे कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू वन. ठीक है, तो अल्फा सिर्फ किसके इक्वल हो सकता है, माइनस टू के, तो सिर्फ माइनस टू. ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पे हमें m की वैल्यू दी है और इसे पूछा है. ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम m स्क्वायर लिखें फिर यहाँ पे m लाल पुट करें फिर यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करें फिर सब सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालें, ऐसा नहीं करना है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करते हैं, हम लेंगे मॉड ऑफ m माइनस लैम्डा i, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस लैम्डा i बना लेंगे. ठीक है, हमारे पास m क्या है, वन टू टू थ्री माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन. तो ये क्या हो जाएगा, वन टू टू थ्री प्लस, ये प्लस कर देते हैं, माइनस लैम्डा अंदर ले लेते हैं, माइनस लैम्डा जीरो जीरो माइनस लैम्डा. अब इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वन माइनस लैम्डा, ये टू टू प्लस जीरो टू टू प्लस जीरो टू थ्री माइनस लैम्डा. मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे लैम्डा माइनस हो गया. अगर डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस लैम्डा i, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा वन माइनस लैम्डा टू टू थ्री माइनस लैम्डा. इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस लैम्डा इंटू थ्री माइनस लैम्डा माइनस फोर. तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा थ्री माइनस फोर लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर
ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लैम्डा माइनस 1। अगर इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ए माइनस आई। सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए कंपेयर कर रहे हैं ना हम, क्योंकि तो वही आ गया, ये m था तो m के फॉर्म में लिख लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ऑफ 4m माइनस i। ठीक है, तो ये i2 है, m का m है, m स्क्वायर है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या जाएगा माइनस 4 ऑप्शन में। लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे माइनस तो पहले हुआ दिया से दिया हुआ है, यहाँ पे भी पहले से दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस पहले से दिया हुआ है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें ये एक प्रॉपर्टी पता है कि इफ ए इज इक्वल टू सम डिटर्मिनेंट 1 0 0 1, देन ए पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 1 एंड 0 0। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये a 1 है, तो a पावर 4 हो जाएगा हमारा 1 0, 4a 1। ठीक है, यहाँ पे ये 4a हो जाता है, a के साथ हो जाएगा 4a। अगर ये a हो, ये a हो, तो ये हो जाएगा 1 4a 4a। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 4 अंदर आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। इनवर्स फाइंड करना, इनवर्स फाइंड करना है, पहले इनवर्स का फॉर्मूला होता है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a, तो इसमें क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना, और एडजॉइंट a फाइंड करने का एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 3 12, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को रिवर्स कर दें, इस वाले डायगोनल को रिवर्स कर दे, तो 2 2 को रिवर्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, और इस वाले डायगोनल में माइनस मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले डायगोनल मतलब ऑड पोजीशन में, ये क्या है 1 1 पोजीशन, 1 1 इवन पोजीशन है, ये 1 2 पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन है। ठीक है, तो 1 2 पोजीशन में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 और 4, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस 1/8 2 3 4 2, माइनस 1/8 2 3, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में माइनस 1/8 2 3 4 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोजेस ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमेशा याद कर लीजिए, अगर ए फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस स्टेटमेंट में हमें पूछ रहा है क्या सही है, क्या इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। सबसे पहले हम चेक करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ गई है 1। मीन्स दिस इज इट इज इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है। क्यों इन्वर्टिबल है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, इसलिए ये ए इज इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे क्या लिखा है ए इज नॉट इन्वर्टिबल, हमको नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब गलत कौन सा, यही गलत मिल गया हमको पहला,
बस यही निकाल दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, ए डॉट ए ट्रांसपोज करेंगे 1 आएगा, ए डैश डॉट ए डैश ट्रांसपोज करेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई 0 है, तो ए इनवर्स पूछ रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं, ए इनवर्स पूछा, ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर 2 माइनस 1 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए पावर 1 माइनस ए इनवर्स डॉट ए, ये आई हो जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स, 0 में से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ए इनवर्स इधर ही है, इन दोनों को इधर ले जाते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए, क्या मिल गया हमें, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फॉर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ए इज इन्वर्टिबल मीन्स इफ ए इज इन्वर्टिबल देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज इन्वर्टिबल then determinant of B is also not equal to 0. Suitable order of this A B inverse, जब भी ऐसा हो A B inverse then this is equal to B inverse dot A inverse, इसमें और कोई logic नहीं है, ये ऐसा ही होता है, option number B हमारा जो है वो correct option हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमें इस determinant की value को निकालना है, अगर x y z कोई भी positive number है तो हमें इस determinant की value, देखिए इसमें कुछ भी मत करिए, इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिस को चेंज किया है, बेसिस यहाँ पे एक्स बेस है, यहाँ एक्स बेस है, यहाँ वाई बेस है, यहाँ वाई बेस है, यहाँ जेड बेस है, तो मे बी बेसिस जो है वो कैंसिल आउट होता है, तो हम सीधा इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्या है, 1 इंटू 1 माइनस लॉग वाई जेड इंटू लॉग जेड वाई, देखिए मैंने वही कहा था ना, लॉग वाई जेड लॉग जेड वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स बेस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ वाई एक्स माइनस लॉग ऑफ जेड एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई जेड प्लस लॉग ऑफ एक्स जेड इंटू लॉग ऑफ वाई एक्स डॉट log of zy minus log of zx, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 minus 1, क्योंकि log of x base y into log of y base x, ये हमेशा 1 होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, log of x base y को क्या लिख सकते हैं, log y upon log x, उसी तरह log of y base x को क्या लिख सकते हैं, log x upon log y, दोनों कट जाएगा इससे ये से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसीलिए अगर इसका बेस इसके में इसका मेन इसका बेस से चेंज हो रहा है, इसका बेस इसका मेन से चेंज हो रहा है, तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये हो गया माइनस ऑफ log x, ये है ना यहाँ पे माइनस ऑफ log x xy into log of yx minus log of zx into log of yz plus log of xz into log of yx into log of zy minus log of xz into log of yz। So, इसे पूरा सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 0 हो गया, ये माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे पूरा जब सॉल्व करेंगे इसी मेथड से कि बेस एंड मेन, फिर यहाँ पे ये मेन बेस बन गया एंड मेन ये 1 है, और इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1, फिर यहाँ मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स y into log of yz into log of zx minus log of xy into log of
वाई जेड इंटू लॉग ऑफ जेड एक्स, इस तरह का मिलेगा। आप जब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो विच इज इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, दिस मीन्स दिस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू टू पावर थ्री। इफ देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हमें पूछ रहा है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर एन होता है देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू टू पावर एन माइनस टू हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारी, हम इस ट्रिक को डायरेक्टली यूज करेंगे, ये ट्रिक समझ लीजिए या प्रॉपर्टी समझ लीजिए, जो भी सही लगे आप इसे समझ सकते हैं, इसे आइदर एक ट्रिक और एक प्रॉपर्टी की तरह ले लीजिए। अगर a इज इक्वल टू टू पावर n हो और जनरलाइज करें तो हम कह देंगे a इज इक्वल टू a पावर n है, तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a पावर n माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू टू पावर थ्री है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a क्या हो जाएगा, टू पावर थ्री माइनस टू, दिस इज इक्वल टू टू, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही ट्रिक्स के लिए, सॉल्यूशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए सक्सेस सर की तरह तक के साथ बने रहें और देखते रहें इसे टाइम टू टाइम, वीडियो को फॉलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, थैंक यू।